व्लॉग वीडियो, दिस इज योर प्रिंस एंड आज नेक्स्ट मॉर्निंग में आपका पहाड़ में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की जो व्लॉग वीडियो है ये भी सुबह से स्टार्ट हो रही है और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था सनराइज से पहले, लेकिन जो मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी वो मैंने सनराइज के ही होते ही करी। ठीक है, ये देखो अभी अभी जस्ट जो है सूरज निकल रहा है यहाँ से, वाओ बहुत ब्यूटीफुल है। एंड ये देखो अभी यहाँ धूप ही नहीं आई हुई है, देख सकते हो आप नीचे नीचे अभी तक धूप नहीं आई है, अभी जस्ट धूप ही आ रही है। और ये देखने लायक होता है सुबह सुबह जो मौसम होता है ना भाई, वो देखने लायक होता है। देखो ये पल्ली साइड है हमारे यहाँ की, हमारे गांव की, वहाँ धूप आ चुकी है। आजकल गांव में शादियों वादियों का माहौल है। तो ये देखो गाइस अभी अभी जस्ट सुबह हो चुकी है और मैं थोड़ा सा नहा रहा हूँ, तो नहाने के बाद मिलते हैं आप लोग। तो गाइज अभी अभी जो है प्लान बना है घंडियाल गांव जाने का। घंडियाल गांव जो है सेव मुखिम से थोड़ा सा ही पीछे है और मैं जा रहा हूँ घंडियाल गांव, कुछ काम आ गया था वहाँ, तो मम्मी ने बोला घंडियाल गांव जाना है और मेरे साथ जा रहे हैं जस्सू भाई, तो आ रहा है अभी, फिर हम दोनों ही चले जाएंगे घंडियाल गांव। तो ये रास्ता है यहाँ से जाते हैं। और ये छोटा छोटा बच्चा आज मुझे दिख गया, हेलो गाइज, ये हाउ क्यूट, आगे से दिखा देता हूँ आपको, बहुत क्यूट। और ये इसने मुंह नहीं धुला, ये बोला था मेरे को मत निकालना वीडियो में, मैंने मुंह नहीं धुला लेकिन मैं तो निकालूंगा। आसी इधर देखना, आसी। और ये अंकु, अंकु हाई कर, हाय। और ये इनका कुत्ता है छोटा सा। और देखो भाई यहाँ से नीचे जाने में ना बड़ा मजा आता है क्योंकि ये व्यू मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे ये ग्रिल वगैरह लग रखी है ना, इस चक्कर में जो बहुत सुंदर लगता है भाई यहाँ का तो। एंड ये देखो वाओ, एक क्लिक तो बनता है यहाँ पे यार, एक फोटो तो बनती ही बनती है। तो गाइस अभी हम हैं घंडियाल गांव, ये देखो भाई वाह सो ब्यूटीफुल कल्चर। सामने दीन गांव दिख रहा होगा आपको पीरा, एंड अच्छी खासी धूप लग रखी है। तो गाइस फिर से हम आए हुए हैं आज मैच खेलने, और यहाँ पर आगे जो ये येलो उसमें दिख रही है ये पहाड़ी भाई चाय पिलो, ये यूट्यूबर है, इनका चैनल मोनेटाइज है 22-23 हज़ार के समथिंग इनके सब्सक्राइबर हैं। और मैं घंडियाल गांव से आ गया था और अभी बैठ रखे हैं रुपेश्वर में यहाँ पर मैच देखने। तो बहुत तगड़ा मैच चल रहा है, आपको पता है आजकल मैच चल रहा है तो रोज ही मैच देखने आ रहे हैं, एंड क्राउड जो है भर रखा है खचाखच दर्शकों से। तो चलो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं मैच को, फिर चलते हैं घर। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं धौंतरी, अरे ने बोला कि धौंतरी चलते हैं तो हम धौंतरी जा रहे हैं। तो अरे चले चल, हाँ कर। तो धौंतरी जा रहे हैं अभी, कुछ सामान लेके आना है, मेरा भी कुछ सामान था तो वो मैं भी लेके आ जाता हूँ। और रुपेश जा रहा है अब घर, ठीक है रुपेश भाई, ओके चलो चलते हैं गाइस। तो गाइस हम धौंतरी से वापस आ चुके हैं, ये अरविंद एंड ये मैं हूँ, और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है हम लोगों को। और अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं बैंड पे, ये हमारा जो है गांव से थोड़ा नीचे आता है बैंड, वो देखिए ऊपर हमारा गांव, एंड वो मुखमाल गांव, डांगी, घोड़पुर, एंड ये सामने गरवाण गांव, ठीक है। शाम होने में आ गई है, धूप जो है पूरी चली गई है, बस वहाँ धूप रह गई है। देखो पहाड़ों में सबसे ज़्यादा सुंदर दिखने वाली चीज़ यही है, इधर छाँव है और उधर धूप है, मतलब वहाँ अभी सूरज है यहाँ नहीं है, ऊपर भी आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का ऊपर ऊपर सा। एंड अब जो है सनसेट होने वाला है और ठंड काफ़ी लग गई है, बाइक पे ट्रैवल करना आजकल पहाड़ों में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है यार। और चलो चलते हैं अभी घर, पहले मैं घर चला जाता हूँ, मुझे तो भयंकर ठंड लग रही है। अरे ने मेरी जैकेट पहन ली, उसने मुझे बदले में ये पता नहीं क्या दे दिया, बट यार उसको वो बोल रहा था कि मुझे दे दे मुझे दे, तो मैंने दे भी दी, कोई नहीं। बट ये देखो आप, ये चक्कर होगा इस यहाँ से नीचे भाई, अगर यहाँ से कूद गया ना इंसान तो नीचे जाएगा सीधा, ठीक है। और सुसाइड करने के लिए सबसे बेस्ट जगह है ये, कभी सुसाइड करने का मन कर यार ही तो यहाँ आ जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ से। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा देखने, देखो रात का टाइम है एंड आपको पता है कि थोड़ा क्या होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है पहाड़ी संस्कृति में जो है देवी देवताओं का नाच होता है उसको थोड़ा बोलते हैं, ठीक है। बट मैं भी वहाँ जा रहा हूँ तो आपको भी दिखाना जरूर बनता है, थोड़ा सा रह गया होगा, तो जल्दी जल्दी चलते हैं और उसको देख लेते हैं। तो चलो चलते हैं,
लगा देते।